how we get length of transverse common tangent, length of transverse common tangent and length of direct common tangents if they exist. सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना? ध्यान से देखना. तो अगर दो सर्किल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो एक नोन सर्किल है हमारे पास, एक ये है, दूसरा नोन सर्किल ये है. तो एक आसान सा तरीका तो क्या है कि हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं इसमें. ढंग से समझना कैसे, यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये दोनों लेंथ सेम होंगी, मतलब एक तरीका तो हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है इस लेंथ की बात हो रही है, इस वाली लेंथ की बात हो रही है, ठीक है ना? ये S1 इक्वल टू कर जीरो है, ये S2 इक्वल टू जीरो है. तो सबसे पहले तो हम इस फैक्ट का यूज करते हुए कि A डिवाइड O1 O2 इन द रेशियो R1 अपन R2, A डिवाइड्स O1 O2 लाइन इन द रेशियो R1 अपन R2, वी एवेल्युएट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. एक तरीका तो ये हो सकता है, लिख लो यार, फर्स्ट एवेल्युएट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, फर्स्ट एवेल्युएट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A यूजिंग द फैक्ट A डिवाइड्स O1 O2 लाइन, A divides O1 O2 line in the ratio R1 upon R2, in the ratio R1 upon R2, in the ratio R1 upon R2, externally get the coordinates of point A. समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? और T1 T2 की अगर हम बात करें तो T1 T2 हमारे पास कितना आएगा, ए टी टू माइनस ए टी वन, दैट इज रूट ऑफ एस वन फॉर ए माइनस रूट ऑफ एस टू फॉर ए, गॉट इट? एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, रूट ऑफ एस वन. समझ गए ना? तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं. तो डायरेक्ट कई बार दो इरेशनल टर्म्स के सम के रूप में भी दिया जाता है और एक इरेशनल टर्म भी गिवन होता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये नहीं भी बताता तो भी चलता, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. सर्किल नोन होगा, ए निकाल लेंगे हम, समझ गए ना? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. बात समझ में आ गई ना? समझ आया कि नहीं? आ गया? नोट कर लिया क्या? समझ आ गया? दूसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है, ध्यान से देखना, कई बार एक ही इरेशनल टर्म के फॉर्म में दिया होता है. सही तरह से समझ रहे हैं इसे? बना लो, ऐसे सर्किल बनाओ, इसके बाद क्या करो,
टेंजेंट बनाओगे, इधर से टेंजेंट बना दी, ये भी बना दी, इतना बना लीजिए। ये टी वन टी टू हमें निकालना है, समझ गए? ये ओ वन है, ये ओ टू है, समझ आया? बना लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से ओ वन ओ टू को मिला लिया, बना लिया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि एस वन और एस टू हमें मालूम है, तो इसका मतलब क्या है, ओ वन ओ टू दोनों हमें मालूम है, साथ में इनकी रेडियस भी मालूम है, आर वन एंड आर टू, आर वन एंड आर टू, नहीं इतना आगे समझ। अब ध्यान से देखो जरा थोड़ा सा, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, ये वाली लेंथ कितनी है R2, ये लेंथ कितनी है R1, वो ध्यान से समझना, इतनी बात समझ में आ गई। ये R2 है और ये कितनी है R1। अब क्या किया हमने, O2 से O1 T1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया इसे P नाम दिया, इसे क्या नाम दिया, P। बात समझ में आ गई ना, समझ आया कि नहीं, बना लिया, बहुत ध्यान से बनाइए। कई बार क्या होता है, एक ही इरेशनल टर्म्स के में अगर डायरेक्ट ओमन टेंजेंट की लेंथ गिवन है तो हम इसी अप्रोच से जाएंगे। कितनी बात समझ में आ गई, ये 90 है, तो मुझे लगता है ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बोल तो देता हूं मैं। T1 T2 की लेंथ किसके बराबर होगी, T1 T2 इज इक्वल टू ओ टू पी, कोई डाउट, बात समझ में आएगी नहीं। ये लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, ना बस ध्यान से देखना, यहीं पे कंप्लीट करते हैं ना यार, कहां आगे इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर के इक्वल, इक्वल टू ओ वन ओ टू स्क्वायर माइनस ओ वन पी स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आ गया क्या। तो डायरेक्टली हमारे पास T1 T2 कितना आ गया, ध्यान से देखिए, T1 T2 इज इक्वल टू, एक स्टेप में निकाल सकते हैं, पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, कितना आया ओ वन ओ टू का स्क्वायर, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, माइनस ये वाली लेंथ कितनी है, ये आर टू है और ये टोटल कितनी है आर वन, आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। तो रेडियस और सेंटर्स हमें मालूम है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, समझ गए? मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में, समझ आया कि नहीं, आ गया, ढंग से बना लो। कई बार इसी पे डायरेक्ट बेस प्रॉब्लम आ गई तो सबकी अदरा बेकार हो जाता है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, ज्यादा तो स्ट्राइक करता नहीं है ना एग्जाम में, समझ गए? आ गया, आगे देखिए।
length of transverse common tangent. Length of transverse common tangent. Length of transverse common tangent. थोड़ा जल्दी करेंगे इसमें. एक अप्रोच तो हमारे पास क्या आएगी, ये निकालना है. एक अप्रोच तो क्या होगी, लिख लो. ये पी है, फर्स्ट अप्रोच लिखिए. यूजिंग द फैक्ट पी डिवाइड्स, यूजिंग द फैक्ट पी डिवाइड्स ओ वन ओ टू इन द रेशियो आर वन अपॉन आर टू, इन द रेशियो आर वन अपॉन आर टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. और देन हमारे पास ये टी वन टी टू कितना आ जाएगा. एवेल्युएट टी वन टी टू यूजिंग रूट ऑफ एस वन फॉर पी प्लस रूट ऑफ एस टू फॉर पी. यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, सेम ये प्लस ये बट इट. समझ गए ना. आ गया. सेकेंड अप्रोच देखिए. हमने क्या किया, ये बनाते हैं. चलो धीरे 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 ये बनाया. ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, इसी को बना रहे हैं एक तरफ से. इसकी लेंथ निकालनी है हमें. तो क्या किया जाए, ये ओ वन है, ये ओ टू है. अब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस पर. आर है, ये भी परपेंडिकुलर. यस, आ गया. देखो यार, इसको नाम क्या दिया, टी वन और ये टी टू. ठीक है, ये आर वन है और ये आर टू है. इतना बना लो सही तरह से. ये ओ टू है. समझ आया कि नहीं, इतना बना लिया. टी वन टी टू निकालना है हमें. निकल आएगा, अब दिक्कत नहीं आएगी मुझे लग रहा. बना लिया. अब हमने क्या किया, ओ टू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसने ओ टी टू को एम पे जाके इंटरसेक्ट किया. समझ गए. और इसके बाद क्या किया हमने, ओ वन ओ टू को ज्वाइन कर दिया. अब कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया ना. अब ध्यान से देखना, ये 90, ये 90. तो टी वन टी टू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ओ टू एम इक्वल टू आएगा अंडर रूट ओ वन
O2 square minus O1 M square और equal to finally आएगा O1 O2 square minus यहां से यहां तक ये क्या है R1 और ये कितना है R2 क्योंकि ये R2 है तो R1 plus R2 का square ठीक है ना फाइनली वहां वी गेट द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विदाउट एवैल्यूएटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब हम बिना एवैल्यूएट किए ये इरेशनल आता है मान लो तो इरेशनल है तो दो इरेशनल के सम की फॉर्म में दिया आंसर तो उस अप्रोच से कर लो एक ही रेशनल दिया है तो इससे कर लो या अप्रोक्सीमेटली दोनों की वैल्यू सेम ही आएंगी बात समझ में आ गई नहीं समझ आ गया तो फाइनली ये रिजल्ट हमें याद ही रखने कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वो ओ आर वन अपन आर टू में एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसकी हेल्प से रूट ऑफ एस वन माइनस रूट ऑफ एस टू करके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं दूसरा तरीका यह था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी आई थी हमारे पास O1 O2 ये याद भी रख सकते हैं आप लोग मुझे तो याद रहता नहीं कितना रहता O1 O2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर ठीक है ना और दूसरा क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उसकी वैल्यू कितनी आई है O1 O2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर याद रखने की टेक्निक में ये बता सकता हूं डायरेक्टली थोड़ी ज्यादा आ रही है ज्यादा कब आएगी जब कम सब्ट्रैक्ट होगा तो अंडर रूट ओ वन माइनस ओ वन ओ टू का स्क्वायर वो तो आ ही रहा है और माइनस माइनस भी आ ही रहा है ज्यादा कब आएगी जब आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया और कम कब आएगी जब आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आर वन प्लस आर टू होता है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है आर वन माइनस आर टू ठीक है ना समझ आ गए ना